ओके हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। सो आज की वीडियो में हम हिस्ट्री ऑफ लद्दाख को कंटिन्यू करेंगे। और लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि सॉरी हम नमग्याल डायनेस्टी के बारे में पढ़ रहे थे हिस्ट्री ऑफ लद्दाख में। और लास्ट में हमने देखा था कि मुगल जो किंग थे, मुगल्स ने अपनी आर्मी को भेजा था लद्दाख को जीतने के लिए। सो हम वहीं से आज कंटिन्यू करेंगे हिस्ट्री ऑफ लद्दाख को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ओके सो वहाँ नमग्याल के जो किंग थे उनकी उनकी डेथ के बाद फिर उनका बेटा जो था सेंगी नमग्याल, जो कि सन था नमग्याल सॉरी ग्यामयंग नमग्याल क्या, तो इनकी जो वाइफ थी बेसिकली इनकी जो वाइफ थी वो मुस्लिम थी। सो उसकी वजह से ये क्या हुआ, ये लद्दाख के रूलर बन गए। और उसके बाद सेंगी जो थे वो इज नोन एज अ लाइन किंग बिकॉज उसने बहुत सारे एफर्ट्स किए। उसके बाद लद्दाख में वो फिर से जो भी ग्लोरी थी उसकी उसको रिस्टोर करने के लिए और उसके बाद उन्होंने बहुत सारी एनर्जेटिक बिल्डिंग प्रोग्राम जो थे वो लॉन्च किए उसने। उसके बाद उसने अपने मतलब बुद्धिस्ट मास्टर की असिस्टेंट के साथ उन्होंने न्यू मोनेस्ट्रीज जो थी वो वहाँ पर बनाई। और जिनमें से इम्पॉर्टेंट कौन कौन सी थी, एक थी वनला हिमीज चिमरी, ये कुछ नाम थे मोनेस्ट्रीज के, ये इम्पॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछा जाता है। सो उसके बाद उन्होंने 9 स्टोरी पैलेस जो था वो बिल्डअप किया ले में, ठीक है, जो आज भी है वहाँ पे। और इस तरह से ये इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं जो उन्होंने की, जो उन्होंने बनाई। और उनकी डेथ के बाद, एक्चुअली उनकी डेथ हुई जब वो हैनली मोनेस्ट्री से वापस आ रहे थे। और उसके बाद मतलब उस इनको सेंगी को आज भी याद किया जाता है एज ए पैटर्न ऑफ आर्ट एंड ग्रेट बिल्डर एज वेल। सो सेंगी की जो डेथ हुई थी वो हुई थी 1620 AD में। और उसके बाद इनके बेटे डेल्ड नमग्याल जो थे वो किंग बने। और डेल्डन एक्चुअली इनका नाम है पूरा। तो डेल्डन जो थे उन्होंने अपने फादर्स को फॉलो किया, जैसे वो कर रहे थे सेम उन्होंने वर्कआउट करना शुरू कर दिया। उसके बाद उनके एक ब्रदर थे डैम चौक, तो इन्होंने क्या किया, जंस्कार और स्पिटी में अपना कंट्रोल अज्यूम किया फिर से। और इस तरह से वहाँ के जो भी जंस्कार किंग से उनका रूलिंग पीरियड जो था वो ख़त्म हो गया। तो डेल्डन जो थे वो एक बेसिकली एक वाइज और सोशली एड्राइट रूलर थे, और उस जिसकी वजह से उन्होंने बहुत ज़्यादा जो बेनिफिट था वो लोगों को दिया। उनके ड्यूरेशन में, उनके रूलिंग ड्यूरेशन में एक पुर्तगीज जेस्यूट जो थे जिनका नाम था एंटोनियो डी एंड्रेड, जिन्होंने ट्रेवल किया गुगी में। और उसके बाद मतलब उनके उनके ट्रेवल के बाद जो गुगी का जो किंगडम था वो धीरे धीरे डिक्लाइन होना शुरू हो गया। और फाइनली उन्होंने 1660 AD तक रूल किया। तो इस तरह से डेल्डन के बाद वो उनको सक्सीड किया डिलेक नमग्याल ने 1660 में। और उसके मतलब 660 AD से लेकर 685 AD तक उन्होंने रूल किया, ठीक है। एंड इनके रूल में, डिलेक्स के रूल में जो मंगोल्स थे वो मंगोल्स होर्ड जो था वो स्प्रेड होना शुरू हो गया, मतलब वो स्प्रेड होना शुरू हो गया फ्रॉम सेंट्रल एशिया। और धीरे धीरे वो सेंट्रल तिब्बत में भी मतलब हावी होना शुरू हो गया, सेंट्रल तिब्बत में भी उसका इन्फ्लुएंस जो था वो स्टार्ट हो गया। एंड इफ़ नॉट अंडर फुल पावर द न्यू लद्दाखी किंग डेलिग्स नमग्याल फाउंड हिमसेल्फ ऑन द रिट्रीट टू अर्थ। तो इस चीज़ की वजह से जो भी उस टाइम पे जो लद्दाख के किंग थे डेलिग्स, मतलब वो उन्होंने अपने आप को मतलब पीछे कर दिया इन फ्रंट ऑफ बेस्को। सो नेक्स्ट बात करते हैं। फिर उसके बाद क्या हुआ, मतलब जब वो पीछे हट गए देन डिलेक्स जो रूलर थे उस टाइम पे ये फिर कश्मीर गए वहाँ हेल्प मांगने के लिए। और उस टाइम पे मुगल एम्परर शाहजहां रूल कर रहे थे, तो वो एक्चुअली मान गए, मुगल रूलर मान गए, बट उनकी एक शर्त थी कि तुम्हें मुस्लिम बनना है, ठीक है। फिर उसके बाद क्या हुआ, वो मुस्लिम बन गए और उन्होंने फर्स्ट जो मस्जिद भी मस्जिद जो थी वो पेयर हुई लद्दाख में उनके टाइम पे। एंड देन उसके बाद जो आज भी है, एंड आफ्टर दैट मतलब 30 से लेकर 50% की जो पॉपुलेशन थी वो फॉलोअर्स बन गए इस्लाम की। देन उसके बाद आफ्टर दैट दलाई लामा जो कि चीफ प्रीस्ट थे तिब्बत के, उन्होंने वो अपने रिलीजन इन्फ्लुएंस को एक्सपैंड करना चाहते थे लद्दाख में, एंड परसुएटेड टू एक्सटेंड हिज रिलीजन इन्फ्लुएंस ओवर, और अपने रिलीजन का जो भी इन्फ्लुएंस है वो लद्दाख के ऊपर वो एक्सपैंड जो है वो करना चाहते थे।
देन उसके बाद लद्दाख जो था वो फाइनली कंक्यूर किया गया फोर्थ दलाई लामा इनके द्वारा इन 1680 एडी में। ओके सो देन तिब्बत मंगोलियन कमांडर गाल्डन तेवांग ने उस टाइम पे लद्दाखी आर्मीज को हरा दिया इन द बैटल ऑफ खादमार। एंड उसके बाद हाउएवर उसके बाद एक ज्वाइंट फोर्स जो थी औरंगजेब और बाल्टीज की, इन्होंने अटैक किया लद्दाख में और तिब्बत मंगोलियन आर्मी को हराया। उसके बाद जब मुगल आर्मी वापस लद्दाख से आ रही थी, देन अगेन तिब्बत मंगोलियन आर्मी ने फिर उसके बाद लद्दाख की आर्मी पे अटैक किया 1684 एडी में, बट दे वर अगेन डिफीटेड बाय मुगल फोर्सेस। लेकिन फिर उसके बाद मुगल फोर्सेस ने इन तिब्बत जो मंगोलियन जो फोर्स थी इनको फिर से हरा दिया। ओके सो नेक्स्ट है कि उसके बाद मतलब डिलेंस के बाद इनकी डेथ के बाद इनका बेटा नाइमा, इन्होंने रूल जो रूलिंग था इन्होंने स्टार्ट किया और रूलिंग पीरियड इन्होंने शुरू किया इन 1685 एडी में। नाइमा ने एक एक वाइस रूलर था सिंपली, और उसने अपने जितने भी मिनिस्टर्स थे उनकी उनसे उनसे कंसल्टेंट लेके उनकी कंसल्टेंट्स के साथ इन्होंने काम करना शुरू किया। ये पहले बंदे थे जिन्होंने फर्स्ट पेपर मील जो थी वो एस्टेब्लिश की। ये क्वेश्चन आता है पेपर में, इम्पोर्टेंट है ये। उसके बाद इन्होंने हैंड प्रिंटिंग जो एक फर्स्ट पेपर मील और हैंड प्रिंटिंग मील जो थी वो एस्टेब्लिश की इन्होंने लद्दाख में, जो इम्पोर्ट की गई थी चाइना से फॉर प्रोडक्शन ऑफ बुद्धिस्ट टेक्स्ट, राइट। देन उसके बाद इन्होंने बहुत सारी यू नो लॉन्ग मनी वॉल जो थी चोगलम सर में इन्होंने वो बिल्ड की। उसके बाद इन्होंने और भी बहुत सारी चीज़ें जो थी जो बिल्डअप की। देन इनकी वाइफ जो थी वो उनकी डेथ हो गई, और मतलब जैसे बर्थ के बाद डेथ हो गई, और उनका जो दूसरा बेटा था वो लेट उनकी लेट बॉर्न हुआ। और उसके बाद जो किंग मतलब रूलिंग जो था पीरियड मतलब जो किंगडम था वो डिवाइड हो गया दो हाइस के बीच में, और एक का नाम था डेसियोंग और दूसरा था ताशी नमयांग, ठीक है। उसके बाद नाइमा की जो थी वो डेथ हुई 1720 AD में। इनकी डेथ के बाद क्या हुआ कि जो पूरा राज्य था वो बिखर गया, एंड इनकी उसके उसके बाद क्या हुआ मतलब जब बिखर गया तो इन्हें बहुत सारी थ्रेट्स जो थी वो कश्मीर वाली साइड से आने लगी। और इस चीज़ को सॉल्व करने के लिए, इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए एक ग्रेट लामा जो थे वो तिब्बत से यहाँ पर आए इस सिक्योरिटी मतलब पर्पस के लिए। एंड आफ्टर दैट रिंगजिन तवांग नोरवू एक जो कि एक दूत थे दलाई लामा के, वो लद्दाख आए और उनकी गाइडेंस के अंडर ये जितने भी प्रॉब्लम्स थे वो फाइनली सॉल्व हुई। आफ्टर दैट जो किंग थे जंस्कार के वो पावर में ही रहे, और सेवांग जो रूलर थे उस टाइम पे वो मतलब इनइफेक्टिव थे, लेकिन बात ये थी कि उनके टाइम पे कोई वॉर नहीं हुई, ठीक है। और उसके बाद उनका जो बड़ा बेटा था वो पावर में आया, एंड पावर में आने के बाद इन 1725 जुलाई में एक इंस्ट्रूमेंट जिसका नाम था वॉमे इच चिंग योंग चिंग यिक जो था वो फ्रेम किया गया, जिसमें इम्पोर्टेंट डिसीजन जो थे मतलब होते थे रिगार्डिंग आउटसाइड ट्रेडर्स एंड द किंग। देन 1755 में अफगान रूलर था अहमद शाह अब्दाली, इसने कश्मीर को जीता। और उसके बाद जो लद्दाख के किंग थे वो मतलब जो भी कश्मीर के गवर्नर थे उस टाइम पे उनको ट्रिब्यूट जो थे वो देते थे। एंड किंग स्टेटन जो थे उस टाइम पे वो एक वाइस रूलर थे, और उन्होंने पीस को बना के रखा लद्दाख में। उसके बाद इन्होंने भी एक नॉर्मली वॉल जो थी लेह में बनाई अपनी डेथ से पहले। बट क्या हुआ कि इनका कोई बेटा नहीं था, जिसकी वजह से इनका जो ब्रदर थे तशीपार, उन्होंने रूल उनके हाथों में फिर रूल चला गया। बट वो इतना मतलब यू कैन से उन्होंने 1841 तक रूल किया, लेकिन ये बंदा इतना कैपेबल नहीं था। लेकिन फिर भी इनका इनके जो चीफ मिनिस्टर थे सिवांग डोंड्रव, इनके नाम बड़े अजीब सीधी सी बात है, इट्स सम टाइम डिफिकल्ट टू प्रोनाउंस द नेम ऑफ ऑल दिस थिंग, बट डोंट वरी, ये चीफ मिनिस्टर की वजह से जो था इनका रूलिंग जो था वो चलो इफेक्टली रन अप हुआ। नेक्स्ट 1884 में जब कश्मीर जो था वो ऑक्यूपाई किया गया सिख महाराजा पंजाब, देन
देन लद्दाख जो था, फिर उसके बाद लद्दाख को जीता जोरावर सिंह ने, जो कि एक जनरल आर्मी जनरल थे इन द आर्मी ऑफ गुलाब सिंह, डोगरा डोगरा रूलर्स थे जो। फिर उसके बाद लद्दाख फाइनली जो था वो पार्ट बन गया रणजीत सिंह के किंगडम का। देन लास्ट जो रूलर था नमग्याल डायनेस्टी का वो थे सेपाल, ठीक है, और जिनको जोरावर सिंह ने हराया था। नेक्स्ट 1851 में जोरावर सिंह ने अटैक किया बालिस्तान में और बालिस्तान तिब्बत में, बट इनकी यहाँ पर डेथ हो गई, इन्होंने अपनी जान गंवा दी। और उसके बाद गुलाब सिंह ने एक स्ट्रॉन्ग आर्मी जो थी अंडर दीवान हरी चंद और वजीर रत्नों के अंडर भेजी, और उसके बाद क्या हुआ कि इन्होंने जीत लिया उसको। बट उस टाइम पे क्या था कि ब्रिटिशर्स का जो एस्टेब्लिशमेंट थी पूरे इंडिया में वो एक्सपैंड हो रही थी, और फिर वहाँ पे इन्होंने मतलब ये लद्दाख में भी इस चीज़ का अलार्म जो था वो बज गया फिर। और फिर ब्रिटिशर्स ने कैप्टन कैनिंघम को भेजा लद्दाख, वहाँ पर बाउंड्री एस्टेब्लिश करने के लिए बिटवीन लद्दाख एंड तिब्बत। एंड आफ्टर एंग्लो सिख वार इन 1845 to 65, दिलीप सिंह जो कि रूलर थे उस टाइम पे पंजाब के, उन्होंने जितने भी राइट ऑफ हिल्स कंट्रीज थे वो ट्रांसफ़र कर दिए बिटवीन द रिवर ऑफ व्यास एंड इंडस टू द ब्रिटिश, राइट। देन उसके बाद ब्रिटिशर ने एक ट्रीटी साइन की गुलाब सिंह के साथ ऑन मार्च 1846, जिसे ट्रीटी ऑफ अमृतसर भी कहा जाता है। और इस ट्रीटी के तहत जितनी भी हिल कंट्री थी टू द साउथ बिटवीन द रावी एंड इंडस, जिसमें लद्दाख, गिलगित बाल्टिस्तान ये और इंडस वैली अप टू चिलास, ये ट्रांसफ़र हो गई गुलाब सिंह के पास, ठीक है। एंड आफ्टर दैट इन दिस वे वो महाराजा बने ऑफ जम्मू कश्मीर, और फाउंडेशन हुई J&K स्टेट की, और फाइनली लद्दाख जो था वो इस स्टेट का हिस्सा बन गया। ओके, सो ये था आपका सारा हिस्ट्री ऑफ लद्दाख, बाकी इसके नोट्स हम प्रोवाइड कर दूंगा।